हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है थोड़ा एक बार फिर तो रेस अकैडमी ऑफिशियल दे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दे उत्ते। मेरा नाम है परशोत्तम संधु। सो आपां करांगे अज रीजनिंग एमसीक्यू सीरीज। सो जिहदे विच इह आपां सीरीज थोड़ी अजिहे होया करूगी जिहदे विच मैक्सीमम सिलेबस थोड़ा एमसीक्यू दी फॉर्म दे विच कवर हो जाया करूगा। 15 तो 16 जां मैक्सीमम किसे किसे वेले 15 जां 18 तो 20 दी रेंज विच तुहानूं एमसीक्यू देखण नूं मिलांगे। वीडियो थोड़ी छोटी होया करूगी ताकि मैक्सीमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर लिया करिए थोड़ा फास्ट वे दे नाल। सो रीजनिंग एमसीक्यू सीरीज़ नू स्टार्ट करन तो पहला मैं रिक्वेस्ट करता कि तुसी प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब लाइक शेयर ते अपने दोस्तों मित्रों दे नाल जरूर दस दिओ ताकि तुसी आने वाली थानू जिहड़ियां नोटिफिकेशन दसदे रहन। ते अगर तुसी हले तक रेस अकैडमी ऑफिशियल दी एप्लीकेशन नू इंस्टॉल नहीं कीता तां रेस अकैडमी ऑफिशियल दी एप्लीकेशन नू इंस्टॉल करो। सो जिवें कि तुसी देख सकदे हो इत्थे रेस अकैडमी ऑफिशियल दा इदां दा थानू लोगो दिसूगा प्ले स्टोर दे उत्ते। सो तुसी देख लैणा आह लोगो दा खास जरूर ध्यान रखना जी। दैन उस तों बाद इदा का थानू कोर्स स्ट्रक्चर दूगा, तुम अपना लॉग इन करके थोड़ा आई डी पासवर्ड चाहे जीमेल राही कर लो चाहे थोड़ा नंबर राही, मेजरली दोनों मैंडेटरी है। सो इदा थानू कोर्स कंटेंट दिसूगा, तुम अपने दोस्तों मित्रों के नाल जाके देख भी सकते हैं। सो ये सारा थोड़ा कोऑपरेटिव बैंक हो गया, एक्साइज हो गया, ऑल PPSC। सो ये सारे ही कोर्स थानू जिहड़े ओ अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी तुम डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो। सो कूपन कोड लिए थानू दस देवां कि संधु10 का तुम इस्तेमाल करके कूपन कोड अपलाई करके थोड़ा जिहड़ा कोर्स तुहानू जिन्ना भी थोड़ा ऑफिशियल जिहड़ा 10% का अडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। अदरवाइज जिहड़े नॉर्मल जिहड़े वाउचर वगैरह वो भी चलते रहिंदे आ। सो सैशन नू स्टार्ट करांगे। सो सैशन नू स्टार्ट करन तो पहला एक बार फिर तो थोड़े अगे रिक्वेस्ट कि तुसी जिहड़ा चैनल नू सबसक्राइब कर लिओ, लाइक शेयर जरूर प्लीज़ कर दिओ। सो पहला क्वेश्चन आपां करदे आ। सो पहला क्वेश्चन थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ। तुसी आपां देखदे आ कि कोडिंग डिकोडिंग दे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग दे विच्चों पक्का मन के चलो एक या दो क्वेश्चन मिनीम देखण नू मिलणगे ही मिलणगे, चाहे थोड़ा एक्साइज का पेपर होवे, चाहे वीडियो होवे, चाहे होर कोई भी जिहड़ा थोड़ा पेपर होवे पंजाब लैवल दा। सो करदे आ आपां शुरू। तो इहदे विच की लिखिया होया देखो, कहिंदे लिखिया इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज कोडड एज LM VV। सो आपां देखदे आ कि तुहानू पता है कि किवें अप्रोच करदे आ। सो डायरैक्ट आपां क्वेश्चन दे उत्ते उहनू आपां लिख लैंदे आ कि किवें इस क्वेश्चन नू जिहड़ा लिखिया गया। सो मैं लिख दिंदा इत्थे कि कंप्यूटर COMPUTER ये अपना कंप्यूटर हो गया भाई। कंप्यूटर नू की लिखा गया है आप चैक करते, थोड़ा मैं क्वेश्चन नू एक्सप्लेन घट करूँगा, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करांगे ताकि थोड़ा समा जिहड़ा थोड़ा बच सके। बाकी तुसी वीडियो नू पॉज करके अपना क्वेश्चन जरूर मार कर लेना ताकि तुसी मेरे नाल पहला सॉल्व करन दी कोशिश जरूर करो। सो इनू की लिखा होया LNVAVQ SFU। सो तुसी इहदे विच लॉजिक फाइंड करना। लॉजिक इहदे विच थोड़ा जिहा ट्रिकी आ, ट्रिकी इन द सेंस कि किवें तुहानू थोड़ा जिहा अलग सोचना पै सकदा। सो इहदे विच लॉजिक इह सीगा सी क्रॉस दा लॉजिक लगा होया, क्रॉस किवें लॉजिक लगा होया। बाकी तुसी प्लेस नंबर वैल्यू लिख सकदे, सब तो पहला इहदी प्लेस वैल्यू 3, इहदी वैल्यू 15, इहदी वैल्यू 13, इहदी वैल्यू 16, इहदी वैल्यू 21, इहदी वैल्यू 20, इहदी वैल्यू 5, इहदी वैल्यू 18, इहदी वैल्यू 21 फिर तो इस इहदी वैल्यू 6, इहदी वैल्यू 19, इहदी वैल्यू 17, इहदी वैल्यू 22, इहदी वैल्यू 2, इहदी वैल्यू 14 ते इहदी वैल्यू 12। सो तुसी देख सकदे सी कि 3 तो 12 दा कोई लॉजिक जिहड़ा बणता रहा पर 15 तो 14 दा जिहड़ा लॉजिक अगे नहीं बणदा। सो सिमिलरली इदां ही आपां चैक कराणे। सो मैं तुहानू दस ही दित्ता कि क्रॉस दे विच लॉजिक आ, क्रॉस दे विच की लॉजिक आ। सो क्रॉस दे विच साडा इवें लॉजिक आ कि 13 तो 12 -1 होया, ध्यान दे नाल देखियो अपना जिहड़ा 3 तो 2 -1 होया, सिमिलरली 15 तो 14 ये भी माइनस होया। सो पहले 3 पोर्शन दे विच साडा -1 चलता पिया, दैन सिमिलरली अगे है तो है तो 1 दा लॉजिक आ बट जिहड़ा वह इस वेले प्लस दे विच क्रॉस दा। सो इत्थों तुसीं देखोगे कि 21 तो 22 हो गया साडा +1 हो गया, 16 तो 17 साडा +1 हो गया। दैन सिमिलरली इत्थों भी देखियो तुसीं कि 20 तो 21 किन्ना हो गया साडा +1, 18 तो 19 हो गया +1, 5 तो 6 हो गया साडा +1। सो ये थोड़ा लॉजिक सेगा, पहले 3 दे विच थोड़ा -1 चलिया क्रॉस दे विच डायगनल दे विच, दैन अगले दे विच भी +1 डायगनल दे विच, दैन लास्ट दे विच 3 दा पोर्शन। सो तुसी देख सकदे हो कि लॉजिक थोड़ा इवें लगा, दैन डबल चेंज होया थोड़ा, दैन 3 दे विच आ लॉजिक, ये लॉजिक थोड़ा सेगा। सो सिमिलरली आपां लॉजिक फाइंड करांगे इहदे विच किहदे विच। सो आपां आ लिखिया BLUKHED। सो इहदा लॉजिक थानू AD आपां देख लवां कि बाय ऑप्शन भी तुसी कर सकदे आ, बाय ऑप्शन करन नाल तुहाडा टाइम बच सकदा। फिर भी तुसी इह देखणा कि किहड़े किहड़े ऑप्शन, सब तो पहला तां सब तो पहला ऑप्शन एलीमिनेट करन दा प्रोसैस होना चाहीदा। सो सानू पता इत्थों -1 हो जाऊगा अगर इहदी प्लेस वैल्यू 12, दैन 12 तो मूहरे के आऊगा ना,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ MM ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦੇਖੋ 50-50 ਚਾਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਦੇਖੋ KTA ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ EVF ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ AG ਸਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ GJ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ IL ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਮੀਲਰ ਦਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੱਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ +1 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਐਚ ਤੋਂ +1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ I ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੇ ਤੋਂ +1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੇ ਤੋਂ +1 ਆਪਣਾ L ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ IL ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ IL ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਆ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੀ ਤੋਂ -1 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਏ ਹੋਜੂਗਾ ਯੂ ਤੋਂ -1 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ ਟੀ ਹੋਜੂਗਾ ਦੈਨ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਆਜੂਗਾ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਆਜੂਗਾ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਆਜੂਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ KTA IL EVF ਹੋਜੂਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡ ਵਨ ਆਊਟ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ GK ਬੇਸਡ ਐਨਾਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਾਲੋਜੀ ਬੋਲ ਲਓ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲੋਜੀ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੈਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਡ ਵਨ ਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਚੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ GK GS ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਥਾਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੋਭੀ ਆ ਇਹ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਦੈਨ ਇਹ ਮੰਗੋਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਬਾਏ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਡ ਵਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਥਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਡੀਪੈਸਟ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 15-16 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 15-16 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 2 ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਵਰਡ ਹੈ ਪਰਸਨ ਇਨ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬੋਲੋ ਅਰੁਣਾ ਸੈਡ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰੁਣਾ ਸੈਡ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾ ਬੋਲ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਸਪੀਕਰ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਿਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਲੀਅਰ ਆ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਆਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅਰੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਸਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਵਰਡ ਆ ਪਰਸਨ ਇਨ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਰੁਣਾ ਸੈਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਿਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਬ੍ਰਦਰ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਦਾ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਸਨ ਆ ਕਿਹਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ
ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਸਨ ਆ, ਇਕਲੌਤਾ ਸਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਪਰਸਨ ਖੁਦ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਆਹੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਰੁਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅਰੁਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਰੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਰੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਰੁਣਾ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ। ਅਗਰ ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਈਦਰ ਬ੍ਰਦਰ ਈਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਅਗਰ ਸਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਤੋਂ ਜੈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊ ਪਲੇਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਰੋ ਆਫ ਗਰਲ ਰਿਤਿਕਾ ਇਜ਼ ਫਿਫਥ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਵਰਲੈਪ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਦੈਨ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਤਿਕਾ ਇਜ਼ ਫਿਫਥ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ। ਸੋ ਰਿਤਿਕਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਫਥ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਤਿਕਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਫਿਫਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ, ਬਾਕੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਰੁਚੀ ਇਜ਼ ਸਿਕਸ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ। ਹੁਣ ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਿਕਸ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਰਿਤਿਕਾ ਬਿਕੇਮ 13 ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਰੋ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਆਹ ਰੋ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੁਚੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਵਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਤਿਕਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਨਿਊ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਤਿਕਾ ਬਿਕਮਸ 13 ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ 13 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ, ਆਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਕਿਹਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡਾ 19 ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ 13 ਇੱਧਰੋਂ 6, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ 19 ਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਫਟ ਪਲੱਸ ਰਾਈਟ ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆ ਕਿ 16 ਅਤੇ 13 ਅਤੇ 6 19, ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ 18 ਜੂਗਾ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੀ ਸੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 13 ਆ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਆ, ਦੈਨ ਇਹ ਮਾਈਨਸ, ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੂਗੇ, 18 ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ, 18 ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰੁਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, 13 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 19 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, 19 ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ 5 ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ 18 ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ 15, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ 19 ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 19 ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵਾਂਗੇ। 15 ਅਤੇ 14 19, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇੱਕ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਸੋ 14 ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਰੁਚੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਆ, ਆਹੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜੂਗਾ, ਇਹ 19 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਦੈਨ 5 ਕੱਢ ਦੂੰਗੇ, ਦੈਨ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਸਾਡੀ 14 ਆ ਜੂਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼।
सो ये अपने को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जिद कोई व्यक्ति पहला दो किलोमीटर नॉर्थ तो रहा, दैन 325 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, दैन 272 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, दैन उस तो बाद 729 डिग्री फिर क्लॉकवाइज घूमया, दैन फाइनली कहते 241 एंटी क्लॉकवाइज। थानू पता है कि इदा के क्वेश्चन के कुछ नहीं करना, जो वो स्टार्टिंग पोजिशन है उन्होंने लिख लो, दैन क्लॉकवाइज का डाटा एक पास, एंटी क्लॉकवाइज का डाटा एक पास। कहते रवन इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर, यदा मतलब 2 किलोमीटर तक गया हो, दैन 2 किलोमीटर वो पोजिशन यह हो गई नॉर्थ के गया, दैन रमन हूँ इतने गया राइट लैफ्ट तो सूँ पता होना, दैन मैं थानू दसिया कि क्लॉकवाइज का डाटा एक पास लिख लो, क्लॉकवाइज का डाटा एक पास लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज का डाटा एक पास लिख लो। सो सब तो पहले उन्होंने कहा कि 325 डिग्री क्लॉकवाइज, इतने 325 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता, दैन 272 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैन उस तो बाद की है 729 डिग्री कि हो गया अपने को फिर क्लॉकवाइज, दैन उस तो बाद की बोलिया 241 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हूँ यदा मतलब की होंगे जोड़ा डाटा बड़ा आ जहाँ दोनों डाटा का आप ऐड करना, जिदा डाटा जिदा डाटा बड़ा आ उस डाटे के रिस्पैक्ट के फाइनल पोजिशन तो वो तो कमावे। सो यदा जोड़ करूँगे देखो 9, 5, 14 आ जाऊगा, 4 हो जाऊगा इतने, दैन इतने 2, 2, 4 तो 1, 5 हो जाऊगा, 5 हो जूगा, दैन 7, 3, 10। सो ये 1054 हो जूगा अपना, दैन सिमिलरली इधर किन्ना हो जूगा 2, 1, 3, 7, 4, 11, 2, 2, 4, 1, 5। सो आह अपना एंटी क्लॉकवाइज का डाटा आ, आह अपने को क्लॉकवाइज डाटा का, यदा मतलब क्लॉकवाइज डाटा वो ज़्यादा घूमिया। सो आप की करांगे डिफरेंस लवेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटावे, 513 एक किन्ना आ जूगा अपना, 1 आ जूगा, दैन उस तो बाद आह किन्ना आ जूगा 4, हूँ आ जूगा 541। सो 541 डिग्री उन्होंने आप क्लॉकवाइज घुमावे, क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज जो डाटा आदि वैल्यू साढ़े को मैक्सीमम आ। सो एक चीज़ तुम ये देखो कि अगर 541 डिग्री घुमावे बट साढ़े को मैक्सीमम एंगल कि 360 डिग्री दिता, तुसी इतों एक चीज़ कर सकते हो कि 360 डिग्री ऑलरेडी घुमा दो, दैन जिन्ना रिमेनिंग रह गया उन्होंने घटा दो, क्यों? क्योंकि तुम देख लो कि 500 अगर तुम इन क्लॉकवाइज घुमा शुरू करोगे, इतों 500 डिग्री घुमाओगे तो इतने देख लो तुम पहला 180 डिग्री इतने घुमा लिया, दैन 360 डिग्री घूम के फिर इतने घूम गया, इस करके आप घटा दें 360 डिग्री, ये घूम गया तो 360 डिग्री आप माइनस कर देंगे तो कि बचा सा 1 हो गया, दैन इतने हासिल आ जाऊगा सा 14, 4, 6 गए 8 हो जूगा, दैन इतने 4, 1 गया 100। सो हूँ 180 डिग्री हूँ तो आप घुमावे कौनू कि इस तो इस डायरैक्शन के उत्ते हो, इस डायरैक्शन तो 180 डिग्री घुमावे, थानू मैं दस्या कि 180 डिग्री साडा इतने आ जूगा, इतों घुमावे इनू 180 डिग्री। सो यदी जी डायरैक्शन हूँ किस करनी हो जूगी, यूँ फिलहाल साडा देख रहा साउथ करनी, सो आह डायरैक्शन साड़ी साउथ हो गई, दैन हूँ सानू 1 डिग्री होर घुमाना पैना तो अगर यह साउथ करनी देखता पाया तो 1 डिग्री अप्रोक्सीमेट साडा अगर इतने भी आप घुमा दीए, दैन सानू पता है कि आ साडा जिहड़ा जोन आ आ वैसट हो गया, आ ईस्ट हो गया, आ नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल सीगा, थानू समझाने की खातर मैनू थोड़ा जिहा टाइम लग रहा। सो इस जोन दे विच 1 डिग्री भी वह घूम गया तो दैन साउथ वैसट डायरैक्शन दे विच वह फेस करूगा। सो साडा साउथ वैसट डायरैक्शन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, उम्मीद है थानू होप सो यह क्लीयर होगा। बाकी आ इहदा बेसिक है सारा कुछ, तुसीं कल्ले कल्ले नूं घुमा के देखना डाटे दे अकॉर्डिंगली उहनूं करना, जिहड़ा डाटा मैक्सीमम उहदे च उहनूं घटा के उहदा आंसर दैन फाइनल दे पोजिशन दे विच जिन्ना साडा रिमेनिंग रह गया उह कर देना। 360 वाली भी क्यों माइनस किया इह वी थानू दस दिता, क्योंकि आपां इक वारी उहनूं घुमा के देख लिया सीगा, क्योंकि मैक्सीमम एंगल साडा सर्कल दे विच 360 डिग्री दा हुंदा। सो इह आपणा मिसिंग का क्वेश्चन है साडा मिसिंग नंबर का। सो मिसिंग नंबर के भी तुसी देख लो कि आ क्वेश्चन मार्क आ कि क्वेश्चन मार्क, दैन उस तो बाद 334, 116 हूँ तुम देखो कि नंबर जोड़े घटते जा रहे, दो ही काम हो गए, जो डिवाइड होगा ज मल्टीप्लीकेशन होगा, थोड़ी जी समार्ट अप्रोच लगा सकते अगर इस क्वेश्चन तुम पिछे शुरू कर लो, क्यों? क्योंकि 19 तो 40 थानू पता की करूँगे डिफरेंस मैथड के नाल भी हो सकता पर थानू थोड़ा जहा ज़्यादा कैलकुलेट करना पेगा। सो यह सूँ देखा कि जो 2 डिजिट का नंबर तो साड़ी 3 डिजिट की नंबर हो गई है, वह भी नंबर बहुत छोटा सी साडा 20 तो थले तो रकम साड़ी लगभग 350 हो गई है, दैन ऑप्शन भी सूँ लगभग देखो 500 तो उत्ते मिल रहा। सो कितने ना कितने मल्टीप्लीकेशन का रूल जो मिल रहा होगा सानू। सो एक बार मैं थोड़े लिए लिख दिंदा इहनू कि होजूगा अपना 334, दैन उस तो मोहरे साडा क्वेश्चन मार्क, दैन उस तो बाद 166 होगा, आ 82 होजूगा, आ 40 होजूगा, आ 19 होजूगा। बाकी थोड़ा जनरल जहाँ माइंड है थानू पता लग जाना कि 19 के 2 गुणे के बराबर, 40 के 2 गुणे के बराबर, 82 के 2 गुणे के लगभग बराबर, 166 के 2 गुणे के बराबर। सो तुम बैकवर्ड डायरैक्शन के भी कर सकते, अदरवाइज डिवाइड भी करके जा सकते कि
आप 334 नूं डिवाइड करके 166 तक पहुँचना, बट इहदा बेस्ट सोल्यूशन यह हो सकता है कि तुसीं करो 19 × 38 प्लस 2 38 तक पहुँचे तो प्लस तुहाडा 40 हो गया। दैन सिमिलरली तुसीं करोगे कि 40 × 80 प्लस 2 हो गया तुहाडा। देखो लॉजिक साडा सैटिस्फाइड हो रहा कि इंटू 2 पहला हो रहा डिवाइड 2 होया, दैन सिमिलरली इत्थे भी होना सीगा, फिर सानूं प्लस डिवाइड ते दैन इतों देखा कि इंटू 2 माइनस 2 देख लो तुम, फिर 166 के दो गुणा करोगे 6 × 12 एक आ जाऊगा, 17 × 34 17 × 34 16 × 32 सॉरी 16 × 32 एक 33 आ जाऊगा। सो वो आप दो जोड़ा 234 साढ़े को आ रहा। दैन सिमिलरली आप करा 334 आप दो जोड़ा 4 × 8 यूनिट डिजिट 2 लास्ट के जीरो आना चाहिए, जीरो साढ़ा 3 जगह, यदा मतलब यही होगा, फिर भी तुम पूरा कैलकुलेट कर लो क्योंकि सानू करनी करना ही पैना। 4 × 8 33 × 66 सो 33 × 66 साढ़ा 668 प्लस 2 कि 670। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो आंसर वह क्लीयर हो जाएगा, उम्मीद है थानू क्लीयर समझ लग गया होगा। बाकी तुम डिवीजन मैथड के भी कर सकते कि इतने थानू मैं दस दिना कि अगर तुम 82 का डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो कि आ जाता थोड़ा 41 आ जाता, दैन थोड़े वेद की करते 1 माइनस करते दैन सिमिलरली 40 आ जाता। इदा ही की करते कि 40 के अपना कि हो गया 40 डिवाइडेड बाय 2 करते कि आ जाएगा 20 माइनस 1 करते 19। सिमिलरली जिस तरह भी लगा सकते थी, वैसे थानू मैं दसा कि यदा गुणा थोड़ा जहा कैल डिवाइड के वेले कितना कितने थोड़ा जहा मिसटेक होने का चांसिस ज़्यादा रह सकता, थोड़ा जहा चांसिस रह सकता। सो तुम गुणा का मैथड कर सकते, पिछों आप शुरू कर लिया इन इधर क्लीयर है। सो 670 हो गया यदा आंसर। अगले क्वेश्चन के उत्ते चलते हैं, भी थोड़ा सीरीज का क्वेश्चन वधिया सवाल है भी, क्योंकि ये उत्ते जो बेस लॉजिक लगा ना वो दो तरीके ना आंसर आ सकते हैं। एक तो जो सा स्टैंडर्ड तरीका होंगे स्केयर एंड क्यूब वाला वह, दैन उस तो बाद डिफरेंस मैथड भी जो सा लग जाऊगा, क्लीयर है जी। सो ये आप देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन, तुम मेरे सॉल्व करने तो पहला जरूर सॉल्व करना, वीडियो में पॉज करके 120 हो गया 120 हो गया, दैन 126 हो गया 146 हो गया 188 हो गया। सो नंबर साढ़े बिल्कुल लागे लागे, सानू पता कि डिफरेंस मैथड ही लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का तो कितने दूर दूर तक ये जड़ा नज़र नहीं आ रहा। सो आप देखा कि करा ये देखो कि आह 120 तो 120 जीरो का डिफरेंस, इतों किन्ने का 6 का डिफरेंस, इतों किन्ने का डिफरेंस 20 का डिफरेंस, दैन इतों किन्ने का डिफरेंस तुम देख सकते हैं कि इतों साडा किन्ने का डिफरेंस आ 188 घटा लो 42 का डिफरेंस होना, हाँ जी 42 का ही डिफरेंस आ 146 घटा लो कि आड़ा 2 आ जाएगा 4 हो जाएगा 0 0। सो 142 का डिफरेंस आ, दैन सानू नैक्सट क्वेश्चन मार्क पूछया गया, सॉरी इतने क्वेश्चन मार्क दैन की हो जाएगा साडा, तुम देखो कि यदा अगर डिफरेंस लैन की कोशिश करूँगे इतों इतने तक का डिफरेंस 6 का डिफरेंस, इतों इतने तक का डिफरेंस 14 का डिफरेंस, दैन इतों इतने तक का डिफरेंस किन्ने का डिफरेंस अपना 22 का डिफरेंस। हूँ दैन थानू एक बार फिर डिफरेंस लैना पैना क्योंकि 6 14 22 का थोड़े कोई तोड़ हले तक थोड़ा जहा नज़र नहीं आ रहा। दैन इतों देखोगे 14 8 6 8 14 दैन इतों तक फिर 8 दैन सिमिलरली इतों करोगे तुम 8 आ जाऊगा, यदा मतलब इतने 30 होना चाहिए, दैन 30 के जोड़ोंगे तो थोड़ा इतने डिफरेंस सूँ पता कि इतने 30 का डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के कि आ जाऊगा थोड़ा, ये जोड़ोंगे तो 72 आ जाऊगा। सिमिलरली की तुम करोगे कि 188 72 जोड़ोंगे थोड़ा सॉरी 188 हाँ जी, सो ये जोड़ोंगे 8 से तो 10 हो जाऊगा 1 आ जाऊगा 8 8 16 एक आ जाऊगा तो 260 थोड़ा आंसर आ जाऊगा, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाऊगा। अदरवाइज़ तुम की कर सकते थे यदा होर सब तो अगर थानू आह नंबर की पछाण ये नंबर की पछाण तो थानू आह ट्रिपल डिफरेंस लगाने की जी लोड़ नहीं पैनी सी, किमें थानू मैं दस दूँगा जीरो की फॉरमेशन जो भी हो, जीरो की फॉरमेशन 3 तरीके होंगी है। सो तुम इस नंबर टारगेट कर सकते कि 3 का स्केयर माइनस 3 कर देता यह आ सकता है, यदा मतलब सिमिलरली 1 का स्केयर 1 कर दें क्योंकि यदि फॉरमेशन इदा, दैन 5 का स्केयर माइनस 5 कर दें, दैन उस तो बाद 7 का स्केयर माइनस 7 कर दें। तो तुम की देख रहे हो ऑड नंबर का जो स्केयर चलता पाया 1 3 5 7, दैन नैक्सट की होंगे साडा 9 होंगे, नैक्सट 9 का स्केयर माइनस 9 81 माइनस 9 कि आ जाता साडा 72 जो कि आप इतने किया। सो 72 आप ऐड किया, दैन सिमिलरली आदा स्टैंडर्ड बेसिक लॉजिक है स्केयर एंड क्यूब बेस्ड जो हों, क्योंकि जीरो की फॉरमेशन जो भी होदों साढ़े दिमाग के लॉजिक स्ट्राइक करना चाहिए, साडा टाइम बच सकता अगर यह स्टैंडर लॉजिक पता, तो बाकी बहुत तरीके जो आंसर वो पॉसीबल आ रहा दोनों तरीकों के नाल। सो यह थोड़ा अल्फाबैट सीरीज़ का क्वेश्चन आ, सिंपल जहा क्वेश्चन आ, ये थोड़े क्वेश्चन तुम ये क्वेश्चन का यह देखो कि क्वेश्चन थोड़े सारे अखों में हो रहा सा जो लैवल आ हौली हौली करते करते आप इनक्रीज हो जाना, बेसिक साडा क्लीयर होना चाहिए क्वेश्चन जिदा का भावें थोड़े सामने मर्जी आ जाऊगा। कहते वट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, वनू पढ़न की
लोड नहीं है, पर फिर भी इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लिया करो, कितने ना कितने रोंग नंबर सीरीज भी पूछा जा सकता। आपां ओवर स्मार्टनेस दे विच आपां नहीं देखना, क्योंकि अगर इत्थे क्वेश्चन मार्क साडे को लगा होया तुहानू मे भी दिख रहा होवे आ साडा डबल जी तो बाद साडा क्वेश्चन मार्क। चलो इहनू मैं साइड दे उत्ते लिख लैंदा की लिखिया होया, पी ए एन बी लिखिया होया, के डी लिखिया होया, दैन जी जी लिखा हुआ, दैन उस तो बाद सिंगल क्वेश्चन मार्क, पर इतने डबल आऊगा क्योंकि आंसर साडा डबल ही हो जूगा। सो सानू पता सानू सीरीज दे सवाल नू सॉल्व करन दे लई सब तो बेस्ट मैथड पता कि पहले नू पहले दे नाल कंपेयर कर लियो। सानू पता कि आ 16 है, आ पाई 14 है, आ 11 है, आ 7 है। सो की करांगे, इत्थों इत्थे तक किन्ना होया माइनस 2 होया, दैन इत्थों इत्थे तक किन्ना होया माइनस 3 होया, दैन इत्थों इत्थे तक माइनस 4 होया। सो साडे दिमाग दे विच लॉजिक काम कर गया कि जिहड़ा नैचुरल नंबर दे नाल डिक्रीज़ हो रहा, सो अगला किन्ना हो जूगा साडा 5 हो जूगा। क्लीयर है चीज़, दैन 7 दे विचों 5 गया 2, ऑप्शन बी आऊगा। सो बी साडा 1 दे उत्ते ही मौजूद आ अदर दैन गिवन ऑप्शन। सो अगर ए वाली ऑप्शन लिखी तां सानू क्रॉस चैक करना पै सकदा, बाकी आ तुहाडे ऑप्शन क्लीयर। अगर ये ऑप्शन आता तो तुम इनू टिक मार के चल जाते अगे, तो दैन आप की चैक करा लवेंगे। हूँ यदी वैल्यू 1 है, यदि 2 आदि 4 आदि कि 7। सो तुम इतों देख लो प्लस 1 हो गया, इतों कि हो गया साडा प्लस 2 हो गया, दैन इस तो बाद कि हो गया साडा प्लस 3 हो गया, दैन नैक्सट भी की हो जाएगा प्लस 4। सो 7 के आप 4 जोड़ा, सो 11 11 मीनस के। सो बी के ही ऑप्शन नंबर बी ही यदा जो ऑप्शन नंबर सही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बी के। दैन उस तो बाद आडा अपने चाइनीज़ कोडिंग जिन्हों आप बोलते हैं सबस्टीट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन है, ये जेडे पांच क्वेश्चन आ मैं साइड के उत्ते रखे हुए, आप इन वन बाय वन सॉल्व करांगे क्योंकि मैं इनू एक क्वेश्चन एक पेज पर ही जो एडजस्ट किया हुआ। सो आप देख लवेंगे ज जो जो भी क्वेश्चन सानू रिक्वायर्ड होया आपू सॉल्व करके वह आंसर कोड कढ़ के आप उधर लिख लवेंगे। हूँ साडे को पहला क्वेश्चन तुम देख लियो, आप जादू कर लगे हैं तो कि बड़ा हो जाऊगा। लो भाई क्लीयर है, सो हुण इन्ना क वड्डा मेरे ख्याल नाल बहुत होना। हाँ जी, सो उत्ते थोड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है इन सर्टन कोड लैंगुएज कार्ड विन टीम टाइम, उन्होंने वो लिखा हुआ LATAJA। सो आप देखा सानू की पूछा गया, कहिंदे वट इज़ द कोड फॉर टाइम, टाइम का कोड देखो। सब तो पहला तो वह जगह नू टारगेट करो जिथे टाइम साडा लिखे हो, कि इन विन टाइम टीम फ्लाइट नहीं लिखे हुआ, फाइट गेम प्ले कार्ड नहीं लिखे हुआ, कार्ड विन टीम। सो टाइम साडा इत्थे लिखे हुआ, सो इत्थे सिंगल लाइन दे मैं इनू दिखा रहा। सो इहदा मतलब जिहड़ा टाइम का कोड आ भी इत्थे ही होगा, बाकी होर कितें भी कोड नहीं होगा। तुसीं देख लो कार्ड, आपां देखांगे कि कार्ड कितें होर लिखा, कार्ड इत्थे भी हैगा, कार्ड इत्थे भी हैगा। सो इहनू मैं सर्कल दे नाल दिखा दिंदा, इहनू भी इत्थे मैं सर्कल दे नाल दिखा दिंदा। सो सर्कल दे नाल ही इहदा कोड भी जिहड़ा आपां हाईलाइट करांगे, सॉरी। सो तुसीं देख लो कि इहना कार्ड कितें होर लिखा नहीं, इहदा मतलब कार्ड का कोड तुसीं होर देखो कि होई होर चीज़ कोई कॉमन, विन टीम फाइट गेम प्ले नहीं, इहदा मतलब कार्ड का कोड इन्हों दोनों एक ही होगा जो सेम होगा। तुम देख लो कि थोड़े दोनों सामने थानू दिखता पाया कि JA थानू कॉमन दिखता पाया, LATAPARDA। सो सानू पता लग गया कि जिहड़ा कार्ड का कोड आ कार्ड का कोड अपना की हो गया JA हो गया। दैन उस तो बाद तुसी आ चीज़ देखो कि विन टीम इत्थे भी लिखिया, विन टीम इत्थे भी लिखिया वा। सो इहदा मतलब इन्हां दोनों का कोड इत्थे मौजूद होगा, तो वह दोनों कोड इत्थे हो गए। हुण सानू पता लग गया कि कार्ड का कोड की है JA, कार्ड का कोड JA हो गया। दैन सानू हुण विन टीम का कोड जिहड़ा पता लगेगा, इहदा मार्कर चेंज कर लैंदे आ, अपना वाइट वाला हो गया। सो इन्हां दोनों का कोड भी इत्थे मौजूद होगा। तुसी देख लो LA हैगा, TA हैगा, सो LATA अपना इतने हैगा, LATA इतने हैगा। सो रिमेनिंग कोड कि रह गया अपना SA। सो साडा कोड कि हो गया टाइम के लिए, SA साडा कोड हो गया। सो टाइम के लिए आप इधर साइड के उत्ते लिख लें SA, बट सानू आ कन्फर्म नहीं है कि बिन टीम का कोड कि, क्योंकि सानू इन्ना पता इन्हों दोनों के दोनों का कोई कोड अलग अलग गया, बट कन्फर्मली नहीं पता। यह तो सिर्फ आपां ऑप्शन एलीमीनेशन के लिए कर दिता। सो यह पहला क्वेश्चन हो गया, यदा की वट इज द कोड फॉर टाइम। सो SA यदा कोड हो गया, इस क्वेश्चन आप कर देंगे डिलीट। दैन अगला क्वेश्चन आप लैके आए हैं, अगले क्वेश्चन में बाकी जो जो सानू इतने रिक्वायर्ड से वो आप इतने लिख लिया, क्योंकि जिन्ना जिन्ना का भी आंसर आप सॉल्व किया। सो अगला क्वेश्चन आप लैके आए हूँ, सानू की पूछा, कहिंदे कार्ड फाइट इन, कार्ड फाइट इन का कोड पता करो भाई। कार्ड का कोड देख लो, आप फाइंड कर लिया हो, कार्ड का कोड JA साढ़े ऑप्शन के होना चाहिए। देखो JA ये है नहीं गा, JA साडा ये ऑप्शन हो नहीं सकता, JA इतने है, JA इतने है, नन ऑफ दीज ए हो नहीं सकता,
क्योंकि इन्हां दे विच्चों कोई ना कोई तो होगा पॉसीबिलिटी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वह भी देख लवेंगे की आप फाइंड कर सकते ज नहीं ज नन ऑफ दीज, फिर भी आप देखेंगे क्योंकि जे ये है तो साडा पॉसीबिलिटी है कि हो सकता। सो आप हुण देखांगे इहनूं किवें करांगे, हुण तुसीं कार्ड का कोड तो फाइंड कर लिया, हुण आप फाइट का कोड फाइंड कर लवेंगे। फाइट साडा देखो कितने, फाइट इतने है, फाइट इतने की कोई होर चीज़ इतने कॉमन है कि गेम प्ले कार्ड नहीं। सो यदा मतलब इन दोनों फाइट का ही कोड सेम होगा। सो फाइट का कोड अगर सेम करना तो इन मैं पिंक रंग के नाल रैक्टेंगल बना लैंदा जी। सो रैक्टेंगल दे नाल इहदा कोड केवल देखांगे, जे ए तां आपां हो चुके आ, तुसीं देखो कि कहड़ा पी ए आर ए डी ए, तुसीं देखो कि डी ए जिहड़ा मैनूं दिखदा पिया कि डी ए जिहड़ा मैनूं कोड दिखदा पिया किहदा फाइट दा। सो फाइट दा कोड किहड़ा हो गया अपना, फाइट का कोड हो गया डी ए। सो तुसीं देख लो कि डी ए इत्थे हैगा, इहदा मतलब ये नहीं होगा क्योंकि डी ए इत्थे है ही नहीं हैगा। सो इन का कोड देख लो, तुसीं देख लो कि विन टीम का कोड आपां अलग तो फाइंड किया सी ना कि उहदे विच किहड़ा किहड़ा तुहाडा एल ए ते टी ए, एल ए ते टी ए सीगा, एल ए ते टी ए। सो इत्थे रिमेनिंग किहड़ा रह गया अपना फा, एफ ए रह गया। सो इहदा मतलब कि इन का कोड साडा की हो जूगा, इन का साडा कोड हो जूगा जिहड़ा तुहाडा फाइट। सो इन का कोड अपना हो जूगा फा। सो ये सानू पता लग जूगा किहड़ा साडा, देख लो कि एफ ए जे ए डी ए आही साडा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जूगा जिहड़ा कि सानू इहदे लई रिक्वायर्ड सीगा। ओपसो थानू यह क्वेश्चन यह भी क्लीयर हो गया होना, इहनू भी आपां डिलीट करदे हां। दैन उस तो बाद अगला क्वेश्चन साडा हुण गेम का कोड कहिंदे फाइंड करो भाई, गेम का कोड आपां फाइंड करांगे, वट इज़ द कोड फॉर गेम। सो गेम साडा कित्थे लिखिया, गेम इत्थे लिखिया, तुसीं देख लो कि गेम प्ले, गेम प्ले इत्थे, इहदा मतलब गेम का कोड इत्थे होगा कि कितने प्ले होर लिखिया क्योंकि सानूं फाइट ते कार्ड का कोड जिहड़ा मिल चुकिया कि कितने गेम होर लिखिया, गेम भी कितने होर नहीं गा, प्ले कितने होर लिखिया। सो कार्ड विन टीम नहीं है, ये विन टीम टाइम नहीं, इहदा मतलब इन्हां दोनों का कोड ही साडा। सो इन दोनों का कोड इतने ही शामिल होगा। सो आप देखेंगे कि कहड़ा यदा कोड होगा सानू पता, देखो आप कन्फर्मली नहीं दस सकते साढ़े को बचा कि पी ए बचा हुआ तो आर ए बचा हुआ, आर ए ऑप्शन पी ए ऑप्शन हूँ गेम का आप स्पैसीफिकली नहीं दस सकते। सो यह मतलब जां तां आर ए हो सकता जां तां पी ए हो सकता। सो साडा ऑप्शन नंबर सी देखो, ईधर आर ए ईधर पी ए, सो यह साडा ऑप्शन का बच्चे हो जाऊगा क्योंकि आप कन्फर्मली नहीं आप दस सकते। सो उम्मीद है थानू यह भी क्वेश्चन जरा क्लीयर हो गया। क्वेश्चन यह पांच है, तुम पर इनू एक क्वेश्चन मान के चल सकते हैं क्योंकि थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ये ज़्यादा कवर हो जूगे, यह अगर आऊगा तो दो या तीन क्वेश्चन अपने नाल लैके जरूर आऊगा थोड़ा सबस्टिट्यूशन कोडिंग जिन्होंने आप चाइनीज़ कोडिंग बोल देंगे। सो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, खुल जा सिम सिम बड़ा हो जा। सो अगला क्वेश्चन पूछा उन्होंने सानू, वट इज़ द कोड फॉर इन। सो इन का कोड आप पहले लिख चुके हैं, इन का कोड साडा एफ ए, इन का कोड साडा एफ ए, सानू ये सॉल्व भी करन दी लोड़ नहीं पई क्योंकि इको ही क्वेश्चन दे इन्ने पार्ट जिहड़े आ बने हुए, क्लीयर है जी। सो अगला क्वेश्चन आप देख लीए, यदा ही अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन की है साडा, होपसो थानू यह क्लीयर हो रहा होगा। बाकी इस क्वेश्चन तुसीं नाल नाल लगता जिहड़ा वीडियो नूं पॉज करके जरूर देखना क्योंकि एक ही क्वेश्चन ते मैनशन किए थे कि ये जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है। सो कहिंदे इफ, हुण इफ कंडीशन लग गई, ध्यान दे नाल समझो, ये स्पैसीफिकली नहीं हुण कंडीशन आ, कहिंदे इफ गेम इन रिस्क यूज कोड एज पी ए। तुहानूं पता आपां जिहड़ा गेम का कोड आपां फाइंड नहीं कर सके जी तीसरे क्वेश्चन दे विच, हुण इत्थे तुसीं देखो एफ ए का कोड आपां कढ़िया होया, एफ ए कोड किहदा आ इन का। हुण सानूं देख लो साडे कोल की आ इत्थे गेम, गेम इन रिस्क, हुण सानू पता इन का कोड आप कढ़िया सीगा, इन का कोड आप एफ ए कढ़िया सी, गेम का कोड आप कहा सीगा ईधर एफ पी ए होगा ईधर आर ए होगा। हुण उन्होंने इफ कंडीशन ला के कहती तो यद मतलब यदा कोड की उन्होंने देता पी ए। दैन रिस्क का जोड़ा नवा वर्ड साढ़े को आया क्योंकि रिस्क कित भी साढ़े को है नहीं गा, यदा कोड आ गया अपने को एक्स ए, क्लीयर है जी। यह चीज़ इन्नी क्लीयर हो गई। दैन उस तो बाद सानू पूछा रिस्क कार्ड फाइट, रिस्क कार्ड फाइट तुसीं देख लो कि साढ़े को एक्स ए आऊगा, बाकियों का कोड आप कढ़िया होया, कार्ड का कोड की अपने को कार्ड का कोड जे आ, फाइट का कोड आप डी ए कढ़िया पिया। सो यह अपना जिथे भी ऑप्शन होया तुसीं देख लो कि इत्थे एक्स ए तो मैं किसी दिखता नहीं पाया, इत्थे एक्स ए नहीं दिखता पाया, इत्थे भी एक्स ए नहीं दिखता पाया। सो यही देख लो एक्स ए जे ए डी ए साडा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर हो जाएगा। होप सो ये थोड़ा दोनों आंसर जिहड़े क्लीयर हो गए होने। बाकी यह क्वेश्चन तुसीं पाउज करके लिख लो, अदरवाइज मेरे नाल ही तुसीं सॉल्व कर लियो अगर थोड़े को जस्ट यह क्वेश्चन नहीं हो पाया तो। क्लीयर है जी। सो ये थोड़े पांच क्वेश्चन इस दे विच कंप्लीट हो गया।
ठीक है जी। अब दैन आप तीन को क्वेश्चन होर कर दें, दैन ये थोड़े पांच क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो आडा क्वेश्चन ये लिखे है कि विच डाइस कैन बी फॉर्म, यू तुम लिख लियो विच डाइस कैन बी फॉर्म। सो ये आप देखा कि डाइस इन बना बनाई जा सकती है। सो ये थोड़े ऑप्शन आ। सो यह देखो विच डाइस कैन बी फॉर्मड, यदा सब टाइटल तुम लिख लियो कि आप सब तो पहले देखा कि साड़ी जी हूँ तुम देखो कि अल्टरनेट फेस जोड़े एक दूसरे के ओपोजिट हो जाएंगे, वाइट के ओपोजिट वाइट हो जूगा, प्लेन जी आप गल करते हैं एक सिंगल डॉट वाले जो सेंटर सिंगल डॉट आपोजिट की होजूगा वह भी एक वाइट प्लेन होजूगा। दैन जे साइड के बचे साढ़े को होजूगा वह अगर एक पासा इदा रंगीन हो जूगा साडा, दैन फा साडा एक पासा रंगीन हो जूगा, दैन उस तो बाद की हो जूगा आ साइड वाला पासा जिहड़ा यह भी प्लेन। सो आप देखा कि केड़ा केड़ा साडा पोर्शन बन सकता, सानू पता कि अल्टरनेट फेस जिहड़े आ वो एक दूसरे के ओपोजिट जिहड़े ओपोजिट आ कभी भी इकट्ठे नहीं आणगे। सो सिमिलरली एक दूसरे के अल्टरनेट कभी नहीं होणगे, इको दोनों का मीनिंग आ। सो आप देखा किवें किवें आंसर हो सकता। सो पहला दूजा दूजा तीजा पहला दूजा चौथा, सो सानू सारे ही चैक कराने पैने। तुसीं देख लो कि पहले दे विच तुसीं देख लो कि अगर तुसीं आ टॉप वाले का एक आ फेस लै लिया, दैन उस तो बाद इहदा वाइट नहीं लैके इहदा आह वाइट लै लिया, दैन इस सॉरी इहदा आह वाइट लै लिया, दैन इस दी बिंदी लै लई किदा दसिया यदा आह टॉप सरफेस ये लै लिया, दैन जो लैफ्ट पोर्शन लै लो तुम यह लै लिया, दैन जो सा राइट साइड पोर्शन वो ये लै लिया, यद मतलब तीनों तुम अलग अलग लै लिया, यदा मतलब जी पहली डाइस साड़ी बनाई जा सकती है। दैन उस तो बाद आह पोर्शन जोड़ा आह राइट साइड वाला पोर्शन ये लै लो एक वाइट यह लै लो एक वाइट ये लै लो, तो दैन दूसरा ऑप्शन भी साडा बन जाऊगा। हूँ सिमिलरली इदा कर लो कि आह दोनों वाइट लै लो एक साडा आह पोर्शन लै लो, सिमिलरली बजूगा क्योंकि सेम डाइस जी साड़ियाँ बन दियाँ दोनों, बस वह पोर्शन जोड़ा डायरैक्शन चेंज आ। दैन सिमिलरली इहदे विच भी इदा ही आ कि दो वाइट आप लै सकते हैं, दैन एक साडा जोड़ा पोर्शन हूँ सानू इहदी आह डायरैक्शन देखने मिलेगी। सो इहदा मतलब पहला दूजा तीजा चौथा, सो सारियाँ डाइसा ही जिहड़ियाँ बनाईया जा सकदियाँ। क्लीयर है जी, चलते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते। आह तुहाडा वेन डायग्राम का क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट कर लेंगे आप, दैन सैशन में आप एंड करा साडा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन इन करके, क्योंकि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडीकेट द बेस्ट रिलेशनशिप ऑथर लॉयर एंड सिंगल। सो ये थोड़ा सानू मैं एक चीज़ दस दिंदा कि वेन डायग्राम का मतलब हों बेस्ट टू बेस्ट तो सूटेबल टू सूटेबल रीप्रजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये किसी ने भी कॉन्ट्रोवर्सी के बेच नहीं फसना फसना, आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आंसर देखना, क्योंकि कितने भी ये सम का रिलेशन साडा नहीं दिता हुआ, क्योंकि जोड़ा सिंगर आ एक प्रोफेसनल सिंगर के नाल कोई भी हो सकता, लॉयर भी सिंगर हो सकता, ऑथर भी सिंगर हो सकता। सो कित भी सूँ आ डायग्राम जी देखने नहीं मिली हुई है कि सारे का सम का रिलेशन होगा। सो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना। सो इतने सारे ही इंडिविजुअली सानू जे प्रोफेसन अलग तो दिते हुए हैं, तुम देखो कि लॉयर तो सिंगल आप एक जगह बंद नहीं कर सकते, ना तो ऑथर सिंगल ना इन्हों अलग अलग रख सकते, ना तो आप कह सकते हैं कि भाई सारे के सारे जे लॉयर आप कैटागरी बना ली ऑथर सिंगल है अपने आप के। सो इन तिना का इन दोनों की भी कोई तुक जी नहीं बनती पी, दैन ऑल वाला तो कोई पॉसीबिलिटी है ही नहीं। सो ये आप अलग हर एक प्रोफेसन अलग अलग दिखावे, आ अपना लॉयर हो जूगा, आ अपना ऑथर हो जूगा, तो दैन यह अपना सिंगर हो जूगा। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन साडा यह आंसर बनता, अदरवाइज थोड़ा सम का रिलेशन अगर किसी तरह भी दिता होंगे चाहे वह इदा दिता होंगे। सो आप डिपेंड करा साडे ऑप्शन के नाल सानू किवें आप ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी दे विच नहीं जाना। सो यह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आप आंसर देना, क्योंकि बेस्ट टू बेस्ट सूटेबल रिलेशनशिप दसना आप वेन डायग्राम के मदद के नाल। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आप मिसिंग नंबर का, दैन उस तो बाद इस सैशन में एंड करा आप। सो ये थोड़ा ऑप्शन क्वेश्चन तुसी देख सकते हैं कि किवें थोड़ा तुसी इहनू टारगेट करोगे। सानू पता कि देखो क्वेश्चन मार्क गब्बे यदा मतलब कि इन तिना रकमों कुछ करके सेंटर के कोई टर्म आई होनी है, इन तिना रकमों सेंटर के कुछ टर्म करके आई होनी है। तुसी देखो कि पांच चार तीन ऐड करूँगे तो साडा उन्नी के लागे नहीं पहुँचता पाया, दैन सिमिलरली छे चार पांच ऐड करूँगे साडा नहीं कितने ना कि मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन का साडा जिहड़ा वह रोल इत्थे जरूर आया होगा। सो तुसी देख सकते सी किवें इस क्वेश्चन तुसी लै लो स्क्रीनशॉट लै लो सेव कर लो इहनू तुसी, अदरवाइज मैं तुहानू करवा ही दिंदा क्योंकि तुसी इदा भी सगा कि जेहड़े आमने सामने के नंबर आ जेहड़े पांच ते तीन नूं आपां कीती है मल्टीप्लीकेशन इन्हों का किन्ना आ गया पंद्रह, दैन जिहड़ा आ थले वाला नंबर उहनूं आपां ऐड कीता पंद्रह ते चार उन्नी, सो साडा उन्नी आंसर इस तरह आया। दैन सिमिलरली तुसीं देखोगे कि छे चौका चौबी, छे चौका चौबी प्लस करूँगे पांच साडा जिहड़ा बॉटम वाला नंबर आ ये चौबी ते पांच किन्ना हो गया उन्ती। सिमिलरली आपां देखांगे कि सत्तू पंजे पैंती, पैंती दे विच छे जोड़ांगे तो आप फोर्टी वन साडा इकताली जो आंसर हो जूगा। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो आंसर
ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟੇਜ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਧੂ 10 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਸੂਗਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੰਕੀ ਮੈਮ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।